वेलकम टू चैनल टारगेट फॉर आईक्यू। मेरा नाम एडवोकेट तनुषा मिश्रा है। सो आज की जो वीडियो होने वाली है ये उत्तराखंड एपीओ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। उत्तराखंड एपीओ में आईपीसी में जो टॉपिक वाइज सिलेबस दे रखा है उसमें से एक टॉपिक ये भी है। इस टॉपिक का नाम है सेक्शन 34 एंड सेक्शन 149। सेक्शन 34 के बारे में आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 34 हर क्रिमिनल एक्ट में लगता है। सेक्शन 34 किस चीज की बात करता है? कॉमन इंटेंशन की बात करता है। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए सेक्शन 34 क्या है। और ये कोई भी क्रिमिनल ऑफेंस हो, चाहे वो चोरी का हो, चाहे वो रेप का हो, चाहे वो मर्डर का हो, उसमें सेक्शन 34 जरूर लगता है। तो सेक्शन 34 और सेक्शन 149 में क्या डिफरेंस है ये हम आज अपनी इस वीडियो में जानेंगे। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो टारगेट फॉर आईक्यू हमारा चैनल है, जुडिशियरी प्रिपरेशन के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है। और सेकंड थिंग इज डैट कि हमारा टेलीग्राम पे हमारा एक पब्लिक ग्रुप बना हुआ है, वहाँ पे आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और आपको वहाँ पे सारी पीडीएफ फॉर्म में नोट्स वगैरह मिलती हैं। और अगर आपको फिर भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा, आप उस पर कभी भी कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं। नंबर है 7500110314। ठीक है, तो हम अपने आप टॉपिक पे आते हैं, हमने ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हमारा जो आज का टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन सेक्शन 34 एंड सेक्शन 149। बेसिकली क्या है ना कि जो सेक्शन 34 है वो कॉमन इंटेंशन की बात करता है। किस चीज की बात करता है सेक्शन 34? कॉमन इंटेंशन की बात करता है। सेक्शन 149 सिमिलर इंटेंशन की बात करता है। अब कॉमन इंटेंशन और सिमिलर इंटेंशन में क्या डिफरेंस है, क्योंकि नाम सुन के तो दोनों सेम ही लग रहा है कि कॉमन एंड सिमिलर। ठीक है, बट बहुत डिफरेंस है। क्रिमिनल केस में एक कॉमा और एक इफ बट का भी फर्क हो जाता है। तो कोई भी आईपीसी के अंदर किसी भी सेक्शन में एफआईआर अगर हमारी लॉज होती है तो उसमें सेक्शन 34 जरूर से जरूर लगा होता है। सो अपने हम टॉपिक पे आते हैं, आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए, लेकिन आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आपको कोई भी इंक्वायरी करनी है तो आप गिवन नंबर पे कॉल कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने अच्छे अच्छे कॉमेंट्स करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। सो अपने अब हम टॉपिक पे आते हैं। हमारा टॉपिक है जो डिफरेंस बिटवीन सेक्शन 34 एंड सेक्शन 149 में है। ठीक है, ये हमारे आईपीसी का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो यूपी एपीओ में आ भी रहा है। यहाँ से आपको 3 से 4 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे और राजस्थान जुडिशरी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो कॉमन इंटेंशन की बात कहाँ से शुरू होती है, तो सबसे पहले ये इसका बहुत लीडिंग केस है, बरेंद्र कुमार घोष वर्सेस इम्प्रर 1925 का केस है। ये कब का केस है? 1925 का केस है। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और आपको बोर्ड विजिबल होगा। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, आपको बोर्ड विजिबल नहीं है तो दिखाई नहीं देना, मैं आप यहाँ पे एक एक चीज बोल के आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूंगी और इस गिवन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। सो ये जो कॉमन इंटेंशन की बात हुई थी इस केस से हुई थी, बहुत इंपॉर्टेंट लीडिंग केस है, ये आता है एग्जाम में। बरेंद्र कुमार घोष वर्सेस एम्प्रर प्रिवी काउंसिल का केस है ये। ठीक है, पहले हमारी कोर्ट्स नहीं थी, प्रिवी काउंसिल डिसीजन देती थी, प्रिवी काउंसिल का केस है। इसमें क्या बात बोली गई थी, इसमें बोला गया था वॉज पॉइंटेड आउट बाय प्रिवी काउंसिल दैट देयर इज मच डिफरेंस इन स्कोप एंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 34 एंड सेक्शन 149। ओके, इन स्पाइट देयर सिमिलैरिटी सेक्शन 149 इज वाइडर इन इट्स स्वाइप एंड लार्जर इन इट्स रीच देन सेक्शन 34। सेक्शन 149 जो है वो सेक्शन 34 से ज्यादा लार्ज है, ज्यादा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में है। तो अभी हम यहाँ पे आपको डिफरेंस बताएंगे दोनों में, 34 एंड 149 में। सो सबसे जो इम्पोर्टेंट और मेन डिफरेंस है वो आप याद रखिए कि सेक्शन जो 34 है वो बात करता है एक्टिव पार्टिसिपेशन इज मस्ट। एक्टिव पार्टिसिपेशन इज मस्ट का क्या मतलब है कि आपकी, जैसे यहाँ पे आप गए हुए हो 5 बंदे यहाँ पे डकैती करने, ठीक है, तो यहाँ पे आप 5ों की एक्टिव पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। ये नहीं अगर आप सिर्फ यहाँ पे खड़े हैं और आपकी कोई पार्टिसिपेशन नहीं है तो मतलब आपका कॉमन इंटेंशन नहीं काउंट होगा, आपकी एक्टिव पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। ठीक है, और सेक्शन 149 इस चीज की बात करते हैं, क्रिमिनल एक्ट मस्ट, एक्टिव पार्टिसिपेशन इज नॉट मस्ट। ठीक है, क्रिमिनल एक्ट होना चाहिए, जरूरी नहीं है एक्टिव पार्टिसिपेशन भी हो आपकी। जैसे कि आप कहीं पे डकैती करने गए हुए हो, मर्डर करने गए हो, तो जरूरी नहीं है चाकू आप भी मारो, नहीं, लेकिन क्रिमिनल एक्ट में आप शामिल हो ना तो सेक्शन 145 लगेगा ही लगेगा। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं डिफरेंस की। मैं यहाँ पे आपको 5 to 6 डिफरेंस बताऊंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया है, हम अपने आगे नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अपने टॉपिक पे डिफरेंस बिटवीन सेक्शन 34 एंड सेक्शन 149 पे आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको डिक्टेट करती हूँ एक एक और आप इसे ध्यान से सुनिएगा, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
सो सबसे पहला जो डिफरेंस हमारा है मैंने आपको बता दिया, एक्टिव पार्टिसिपेशन इज इम्पोर्टेंट, एक्टिव पार्टिसिपेशन इज नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक है। एंड सेकेंड जो हमारा डिफरेंस है वो है नंबर ऑफ पर्सन मोर देन वन, ठीक है। सेक्शन 34 में नंबर ऑफ पर्सन मोर देन वन होनी चाहिए, जैसे कि कोई थेफ्ट का ऑफेंस है जहां पे सेक्शन 356 सेक्शन 379 लगता है, वहां पे ये सेक्शन 34 जरूर लगता है। नाउ नंबर ऑफ पर्सन मोर देन फोर, मतलब कि चार बंदों से ज्यादा होने चाहिए, पांच पर्सन होने चाहिए, जहां पे रॉबरी है डकैती है वहां पे ये बात करता है नंबर ऑफ पर्सन मोर देन फोर। जहां पे भी किसी भी ऑफेंस में अगर चार पर्सन से ज्यादा है तो वहां पे 149 भी लगेगा ओके। नाउ सेकेंड बात करता है, इट डज नॉट क्रिएट एनी स्पेसिफिक ऑफेंस बट स्टेट्स दैट रूल ऑफ एविडेंस, ठीक है। इट ये कोई स्पेसिफिक ऑफेंस नहीं है, सेक्शन 34 कभी अकेला नहीं लगता है, ये रूल ऑफ एविडेंस है, किसी ना किसी सेक्शन के साथ ही लगता है, जैसे कि सेक्शन 379 / सेक्शन 34 लगेगा ही लगेगा, ठीक है। ये कोई स्पेसिफिक ऑफेंस नहीं है बट इट क्रिएट रूल ऑफ एविडेंस। नाउ ये किस चीज की बात करता है, इट स्टेट्स अ स्पेसिफिक ऑफेंस, इट डिक्लेयर वैक्टेरियस क्रिमिनल लाइबिलिटी ऑफ अ मेंबर ऑफ अ मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली। ये स्पेसिफिक ऑफेंस है, ये अकेला सेक्शन भी लगता है, सेक्शन 149 अकेला अपने आप में एक ऑफेंस है, ये अकेला भी लगता है, क्रिमिनल लाइबिलिटी शो करता है, ठीक है, लेकिन ये कभी भी अकेला नहीं लगता सेक्शन 34। तो ये क्वेश्चन आपसे पीटी में पूछ सकते हैं कि सेक्शन 34 इज स्पेसिफिक ऑफेंस, तो आपको इसका आंसर हमेशा करना है नो, बट सेक्शन 149 इज स्पेसिफिक ऑफेंस, ओके। अब हमारा जो थर्ड है वो बात करता है, कॉमन इंटेंशन रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 34 मे बी एनी टाइप, दैट इज अनडिफाइंड एंड अनलिमिटेड, ठीक है। जो कॉमन इंटेंशन है वो जो अंडर सेक्शन 34 में कॉमन इंटेंशन है, मे बी का मतलब होता है कि हो सकता है, ठीक है, डिस्क्रिशनरी, मे बी ऑफ एनी टाइप, दैट इज इट इज अनडिफाइंड एंड अनलॉफुल। बट यहाँ पे कॉमन ऑब्जेक्ट जो होता है सेक्शन जो 149 में है, जो कॉमन ऑब्जेक्ट की बात है, कॉमन ऑब्जेक्ट अंडर सेक्शन 149 मस्ट बी वन ऑफ द फाइव अनलॉफुल ऑब्जेक्ट मेंशन्ड इन सेक्शन 141। कॉमन ऑब्जेक्ट की जो बात है सेक्शन 149 में, उसमें फाइव ऑब्जेक्ट्स दे रखे हैं, फाइव एसेंशियल्स दे रखे हैं जो सेक्शन 141 में डिफाइन है। सेक्शन 141 आईपीसी, आप एक बार फेयर एक्ट रीड आउट कर लीजिएगा सेक्शन 141 की। अगर आपको फिर भी वहां पे कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, कल एक स्पेसिफिक वीडियो आ जाएगी सेक्शन 141 पे, ठीक है, अनलॉफुल असेंबली पे, कॉमन ऑब्जेक्ट पे, ठीक है। अब हम आते हैं अपने फोर्थ और इम्पोर्टेंट, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि सेक्शन 34 जो है ये बात करता है, इट रिक्वायर्स दैट ऑल एक्यूज्ड मस्ट टुगेदर हैव अ प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड्स। ये क्वेश्चन कई बार आया है कि सेक्शन 34 में प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड्स नेसेसरी है या फिर नहीं नेसेसरी। तो प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है सेक्शन 34 में, ठीक है। बिफोर द कमीशन ऑफ ऑफेंस बाय ऑल पर्संस, ठीक है। तो प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड सेक्शन 34 में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि अगर किसी को चोरी करनी है तो पहले सारे एक्यूज्ड एक दिन एक रात पहले एक जगह पे इकट्ठे होंगे, वहां पे माइंड सेट करेंगे कि हाँ मैं बाइक लेकर आऊंगा तो मुझे उस चौराहे पे मिल जाइयो, हम वहां से उस रेड लाइट पे जाएंगे, वहां पे हम पर्स स्नैच करेंगे, फोन स्नैच करेंगे, तो यहाँ पे प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड की बात है। बट यहाँ पे जो बात है, यहाँ पे बात करते हैं प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड is not necessary, prior meeting of mind is not necessary under this section, section 149, but mere membership of unlawful assembly at the time of commission of crime is sufficient. अगर आप इसमें prior meeting of mind जरूरी नहीं है, जैसे कि कहीं पे कोई offence हो रहा है तो वहां पे अगर आप खड़े हो, आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन है, मेयर मेंबरशिप है आपकी, तो वहां पे आपका नाम आएगा ही आएगा अनलॉफुल असेंबली में, ठीक है। जैसे कहीं पे कोई रैली हो रही है, कहीं पे कोई तोड़फोड़ हो रही है, वहां पे आप भी वहां पे शामिल हो, आप भी उस तोड़फोड़ में शामिल हो, तो वहां पे आपका नाम भी आएगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि सेक्शन 34 में कॉमन इंटेंशन है, प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड होना चाहिए, एंड सेक्शन 149 में प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड की जरूरत नहीं है। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, गिवन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हमारे पेड ग्रुप भी चल रहे हैं, उत्तराखंड एपीओ के लिए क्रैश कोर्स हमने चला रखा है, जिसमें हमने शॉर्ट टर्म कोर्स निकाल रखा है, जैसे कि पुलिस एक्ट का और आईपीसी का, सीआरपीसी का, इंडियन एविडेंस एक्ट का, जिसमें आपको पीडीएफ फॉर्म में नोट्स और टेस्ट सीरीज भी मिलती है,
और राजस्थान जुडिशरी का हमने निकाल रखा है क्रैश कोर्स और हरियाणा का भी निकाल रखा है और बहुत ही नॉमिनल फीस के साथ। तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करिए, आपको वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कॉमेंट। थैंक यू।